आईसाइट वीक हो रही है, विटामिन ए ले लो। अच्छा, गाजर बहुत सारी खाना तो आपके आईसाइट वहीं पर ही रुक जाएगी और ज्यादा वीक नहीं होगी। फटीक और टायर्डनेस हो रही है तो विटामिन डी आप लीजिए, सेशे लीजिए, आपको टायर्डनेस नहीं होगी। अच्छा, आजकल B12 भी लेना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि हमें उतना न्यूट्रिशियस हमारे खाने में नहीं मिलता है। और एक काम करो, विटामिन सी भी साथ में ऐड कर लो, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जो कि आजकल हमें चाहिए। तो बॉडी में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो कहा जाता है विटामिन्स ले लो, सप्लीमेंट्स ले लो, टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करो करा लो और एक मल्टीविटामिन जरूर ले लेना, तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है गुफ्तगू। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मेरी जो चैनल है रेसिपीज से रिलेटेड है, जहाँ पर हम हेल्दी खाने की बात करते हैं, हेल्दी रेसिपीज की बात करते हैं, न्यूट्रिशियस की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए है। बट आज मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट किया जाए और कुछ गुफ्तगू करी जाए आपके साथ और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करे जाए जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन सब डिस्कशंस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बॉडी में अगर कोई डेफिशिएंसी है, टेस्ट करवा लेते हैं, मल्टीविटामिन्स खा लेते हैं, सप्लीमेंट्स खा लेते हैं, बट अगर हमारा मन खराब हो तो क्या करें? सीटी स्कैन कराएं या एक्सरे कराएं या अच्छा कोई टेस्ट है वो करा सकते हैं। बट ऐसा अभी तक कुछ साइंटिफिकली कोई मशीन बनी ही नहीं है जो हमारे मूड को टेस्ट करा जाए और पता चला जाए कि कौन सी डेफिशिएंसी है और उसके लिए हम कौन से विटामिन्स और सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, नहीं ना। और अगर हम मूड की बात करते हैं या हमारे मन की बात करते हैं तो वो खराब बहुत वजह से हो जाता है। अभी तो स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा चल रहा है वायरस की वजह से, पैंडमिक की वजह से, जॉब्स का स्ट्रेस है, हमें बच्चे आजकल एडमिशन्स के लिए मैं देखती हूँ बिकॉज मैं एकेडमिशन हूँ, तो वहाँ पर पेरेंट्स को देखो आपकी एडमिशन्स नहीं हुआ है, जहाँ चाहते हैं वहाँ एडमिशन्स नहीं हुआ है और मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे मन को वो होते हैं रिलेशनशिप। और अगर रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम हो तो क्या करें, है ना। क्या टेस्ट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। बट हाँ, रिलेशनशिप के विटामिन ज़रूर हैं, अगर हमें वो समझ में आ जाए और उन्हें हम डेली बेसिस पर लें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो क्या करें, कौन से विटामिन्स लें? विटामिन ए ले, जिसमें हो अफेक्शन और अटैचमेंट अपनों के लिए। अब वो कहाँ से आएगी? जब हम उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे, उनसे बात करेंगे। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप में गैप है वो फिल हो सकता है और हमारा जो मन है वो ठीक हो सकता है। अगर साथ में हम ऐड कर लें विटामिन बी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही वैरायटी होती है विटामिन बी की भी, B1 होता है, B12 होता है, तो उसमें अगर हम बात करें विटामिन बी की, जिसमें हो बॉन्डिंग अपनों के साथ। अब बॉन्डिंग कैसे आएगी? जब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है अब उसको साथ में क्लियर करोगे और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करोगे तो कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी और आपका मन जल्दी से खराब नहीं होगा। अच्छा, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, और साथ में अगर हम विटामिन सी लें, जिसमें हो केयर अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं कि हमें सामने वाले को खुश रखना है या उसके साथ हमें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, रीज़न क्या है? आप खुद हो, आप जो भी करते हो अपने लिए करते हो। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को खुश रख रहे हैं, हम अपने स्पाउस को खुश रख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को खुश रख रहे हैं, उनके लिए और उनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उनकी केयर हम कर रहे हैं, तो दरअसल में केयर हम अपने लिए करते हैं क्योंकि हमें खुश रहना है, हमें अपने मन को खुश रखना है। अब वो मन खुश रहेगा जब हमारे रिश्ते खुश होंगे, तो केयर भी उसके अंदर हमें डालनी ज़रूरी है ताकि जो विटामिन ए और बी है वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सके। तो वीकली डोसेज हमें और किस चीज़ की चाहिए होती है? विटामिन डी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है,
वो है हमारा डेडिकेशन और डिवोशन। डेडिकेशन और डिवोशन अपनों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान की प्रार्थना करते हैं, डिवोशन से करते हैं, डेडिकेशन से करते हैं, इसी चाह में कि हमें मोक्ष मिले या हमें सेल्फ अलाइनमेंट मिले। तो जब रिश्तों की बात आती है, वहाँ पर भी तो हमें डिवोशन और डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो ये सारे जो विटामिन्स हैं, रिश्तों के विटामिन्स, ये लेना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसकी डेली प्रैक्टिस करें, ये विटामिन्स को लें, तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा सुंदर हो सकती है, हैप्पी हो सकती है। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा गुफ्तगू का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट करके बताना आपका क्या विचार है इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।